सो गाइस स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड तो यहाँ पर आप देखोगे सुजलोन एनर्जी के शेयर में आज के दिन आपको लगभग तीन परसेंट के आसपास करेक्शन देखने को मिला है तो स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हुई है उसके साथ साथ आप देखोगे नौ मार्च से आपको जो भी इसके आई की सेकंड कॉल भी ओपन होते हुए नजर आई है उसके बाद स्टॉक में तेजी नहीं बनी है आप देखोगे नौ मार्च से स्टॉक में तेजी नहीं बनी है आप देखोगे सात रुपए के आसपास सात से आठ रुपए के बीच में स्टॉक आपको नौ मार्च से कंसोलिडेट करते नजर आ रहा है तेईस तारीख इसकी आपको जो ना भाई लास्ट डेट देखने को मिल रही है अगर आप लोग सेकंड कॉल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेकंड कॉल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आप लोग जो ना भाई uh, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हो तो यहाँ पर अब स्टॉक में करेक्शन तो स्टॉक में ये गिरावट नहीं है एक अच्छा मौका है स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एज ए लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना आई थिंक सबसे बेस्ट है 2025 से 26 तक आप देखोगे जी हां 2025 से 26 तक आप लोग सुजलोन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो और ये शेयर साढ़े सात रुपये आठ रुपए का शेयर है और आने वाले 2025 से 26 के बीच में आप देखोगे इस शेयर की कीमत हमें क्या पता चालीस से पचास भी जाते नजर आ सकती है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आप देखोगे क्रिएशियल रेटिंग भी क्या दी जा रही है उसके ऊपर क्या अपडेट है चलिए पहले वो देखते हैं उसके बाद कल के लेवल्स देखेंगे यहाँ पर आप देखोगे जो वॉल्यूम लगी है आज के दिन फिफ्टी एट मिलियन यानी कि पांच करोड़ सतासी लाख की हैवी वॉल्यूम तो चलिए देखते हैं अभी इसके कल के लेवल्स उससे पहले अपडेट देखते हैं क्या अपडेट आई है तो यहाँ पर आप देखोगे आज के दिन अनर्जी वर्ल्ड डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें ये अपडेट आते नजर आई है 20 मार्च को आप देखोगे ये अपडेट आई हाँ है एक बजकर बारह मिनट पर नीतिगत अनुकूलता के कारण पवन ऊर्जा क्षेत्र में पांच गुणा वृद्धि होगी क्रिशिल के द्वारा ये अपडेट दी गई है कि पांच गुना वृद्धि होनी है भाई पवन ऊर्जा यानी कि जो विंड एनर्जी सेक्टर है इसके अंदर पाँच गुना वृद्धि होने वाली है तो आप देखोगे 2017 से 18 से 2017 18 से, से रिवर्स नीलामी आक्रमक टैरिफ बोलियाँ इस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक रही है और अब आप देखोगे हर साल आठ गीगा वोट के लिए आपको बोलियाँ देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी एक अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट हमें देखने को मिल सकती है तो फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है जो कि सुजलोन एनर्जी सेक्टर के लिए सुजलोन एनर्जी का जो शेयर है इस सेक्टर से बिलोंग करता है पवन ऊर्जा से तो एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक के अंदर बैठना बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होगा काफी अच्छी दामों पर आपको स्टॉक मिल रहा है यहां पर आप देखोगे भी जो नवीन ऊर्जा है ठीक है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कदम वित्त वर्ष 2026 से भारत की वार्षिक पवन अक्षमता कार्यान्वय को 6 से 8 गीगावाट प्रति वर्ष बढ़ा सकते हैं जो कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में देखी गई 1.6 पॉइंट सिक्स वार्षिक दर से काफी अधिक है कृषि रेटिंग के अनुमान के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो भी काफी अच्छी हमें जो अभी ये अपडेट देखने को मिली है कि छः से आठ गीगा वोट आप देखोगे पर वर्ष ठीक है पर ईयर आपको ये इतनी ज़्यादा वोलियाँ लगते नजर आएंगी तो ये अपने आप में आप देखोगे भी जो पवन ऊर्जा है इसके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है 1.6 पॉइंट सिक्स वोट से सीधा छः से आठ गीघा वोट तो यह वो अपडेट जिसके चलते आप देखोगे स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी बन सकती है और ये जो सेक्टर है विंड एनर्जी का इसके बहुत सारे स्टॉक्स हैं उन्हीं में से एक स्टॉक है सुजीलोन एनर्जी जो कि इंडिया के अंदर टॉप टेन में थर्ड नंबर पर आती है कंपनी जो कि आप देखोगे जो पवन ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स जनरेटर हो गए विंड टर्बाइन ये सारी जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है तो टॉप थर्ड नंबर पर आती है इंडिया के अंदर तो चलिए फिर देखते हैं अब इसके कल के लेवल्स तो यहाँ पर आप देखोगे कल के लेवल्स देखने से पहले हम देखेंगे डाटा डाटा कुछ नेगेटिव देखने को मिला आप देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर एक लाख इकसठ हजार क्वान्टिटी सेलिंग के लिए देखने को मिल रही है डिलीवरी की बात करें तो आप देखोगे फोर्टी फाइव परसेंट साढ़े पैंतालीस परसेंट डिलीवरी डिलीवरी काफी शानदार उठी है इसका मतलब स्टॉक में आने वाली है तेजी तो स्टॉक अंदर करंट लेवल के ऊपर बाइंग करना गलत साबित नहीं है आप लोग करंट लेवल के ऊपर परचेज कीजिए भाई यहाँ से स्टॉक में शानदार तेजी के संकेत है और आप लोग नीचे में साढ़े छः रुपये का ऐसा लेके चल सकते हो और ऊपर में स्टॉक जन आपको नौ से दस रुपये के लेवल दिखा सकता है आपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट से पहले पहले तो अब आप देखोगे मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं तो इसके लेवल्स मैंने आपको बता दिए नीचे में ऐसा लेना चाहो तो साढ़े छः का ऐसा लेकर करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके बैठिए ऊपर में टारगेट नौ से दस रुपये प्लस के रहेंगे आई होप आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे स्टॉक को लेकर फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब होना मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो